सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। और अभी जो ये ब्रेजा देख रहे हो आप, ये ZX-i है, जो कि थंबनेल में भी आपने देखी होगी। ये देखो डुअल टोन वाली ZX-i है, आप इससे पता लगा सकते हो। तो अभी इसके अंदर एक्सेसरीज लग रही हैं, ये अभी इंस्टॉल कर रहे हैं और एक इंस्टॉल करके यहाँ पे खड़ी हुई है। तो पहली बात तो ये देख लो कि जेन्युइन एक्सेसरीज जब कंपनी से लगती हैं तो जेन्युइन जगह पे ही लगती है, मतलब शोरूम की एक्सेसरी शोरूम पर लगती है, कोई थर्ड पार्टी इंस्टॉल नहीं करती है उन्हें, पहली बात। दूसरी बात, अभी इनको कर लेने देते हैं क्योंकि इनमें तो अभी टाइम लगेगा। तो ये गाड़ी कंप्लीट है, तो इसकी हम बात करते हैं कि इसमें ZX-i में अब कौन कौन सी एक्सेसरीज जो हैं वर्थ बाइंग है और आप लगवा सकते हो, आपकी गाड़ी की जो है प्रोफाइल इनहेंस होगी और आप आफ्टर मार्केट भी उन्हें कराओगे, तो इससे अच्छा है कि आप जेन्युइन काम करा लो। तो अभी भाई को वीडियो बना लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ अंदर क्या कैसी लगी हुई है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना और आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी बताता हूँ आपको कि इसके अंदर क्या क्या ऐसी लगी हुई है। जैसा कि अगर आप बाहर से भी करवाने लग जाते हो तो गाड़ी को थोड़ा सा कंप्लीट फील कराने के लिए, तो पहली बात मेरे हिसाब से ये एसेसरीज का पार्ट है, ये वाला क्रोम शायद ये नहीं आता इसके अंदर। तो अगर ये एसेसरीज का पार्ट है तो इसकी प्राइसिंग ये है, नहीं है तो वेल गुड, आपको मिल जाता है एक प्लस पॉइंट पे। बट ये कन्फर्म एसेसरीज का पार्ट है, जो इस साइड वाली आर्च क्लैडिंग आप देख रहे हो ये इतनी की कुछ आपको पड़ेगी, और फिर ये नीचे की साइड वाली ये जो सिल्वर हाइलाइट्स आप देख रहे हो ये एसेसरीज का पार्ट है, ये कुछ इतनी की आपको पड़ेगी। ऊपर की साइड एक क्रोम वाले ये आ जाते हैं रेन वाइजर्स, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव है, तो ये कुछ इतने के आपको पड़ेंगे। और फिर आता है साइड क्रोम, ये भी एसेसरीज का पार्ट है, ये कुछ इतने का आपको पड़ेगा। फिर हैं ये क्रोम डोर हैंडल्स जो कि ओरिजिनल, और इनके शायद मेरे हिसाब से गारंटी वगैरह भी देते हैं ये, तो ये कुछ इतने का आपको पड़ेगा। ये और भाई ये क्रोम लाइन लगती मस्त है कुल मिला के ना, क्योंकि डुअल टोन है तो एक सेपरेशन सा कर देती है बीच में, ब्लैक और रेड के बीच में सेपरेशन सा कर देती है, बढ़िया लगती है ये है। और ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो ये एसेसरीज का पार्ट है ब्लैक, ये इतने का कुछ पड़ेगा। और इसके अंदर वो भी आता है नीचे की स्कर्ट प्लेट, अंडरबॉडी मोल्डिंग फ्रंट और रेयर वाली वो भी आती है, वो अभी नहीं लग रही है इसके अंदर, आप चाहो तो वो लगवा सकते हो। और उसकी प्राइसिंग मैंने एक वीडियो में बता रखी है, उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो प्रॉपर एसेसरीज की वीडियो है तो वो देख लेना एक बार। ये है सारी चीज़ इसके अंदर। और फिर आती है ये कप प्लेट्स, ये एसेसरीज का ही पार्ट है, ये कुछ इतने की पड़ेंगी। अभी तो ये पीछे वाली, आगे वाली भी दिखाऊंगा आपको। और ये देखो सीट कवर, भाई क्या मस्त लग रहे हैं, देखना क्या बढ़िया लग रहे हैं। और ये ऐसे सिल्वर लाइनिंग्स के साथ हैं तो, और फिट एंड फिनिश बहुत गजब की है। तो ये कुछ इतने के आपको पड़ेंगे सीट कवर्स अगर आप प्लान कर रहे हो तो। वैसे तो ऑलमोस्ट टॉप वेरियंट ही है ये, कुछ कुछ चीज़ें नहीं मिलती हैं इसके अंदर, बस वो एक अलग चीज़ है, बाकी आपको ज़्यादा एसेसरीज की जरूरत पड़ेगी नहीं। बट ये ऐसी चीज़ें हैं मतलब लगवा ले तो अच्छे लगेंगी, बस ये है। ये देखो कुछ ऐसी मिलती है फ्रंट वाली, ये इसका प्लेट्स, इसके अंदर ब्रेजा लिखा हुआ मिलता है ये है। और फिर आती है ये मैटिंग, ये सॉरी ये मैट जो है, मैटिंग तो पूरी हो जाएगी, ये मैट्स जो है इनके ऊपर भी अपना ब्रेजा लिखा हुआ मिलता है कुछ इस तरीके से, और आप ये देख सकते हो क्या एकदम बढ़िया है ये। तो ये एसेसरीज का पार्ट है, ये कुछ इतने के आपको पड़ेंगे, आपकी स्क्रीन पर ब्लिंक कर रहा है प्राइस, तो ये ही है। और आई थिंक ये जो टेपिंग वगैरह देख रहे हो ना आप, अभी दिखाता हूँ एक सेकंड, रहेगा ये वाली जो टेपिंग आप देख रहे हो ये भी मेरे हिसाब से ना एसेसरीज का पार्ट है यार, अगर है तो ठीक है, इसकी प्राइसिंग ये है, अगर नहीं है तो फिर ये यार अच्छा ही लग रहा है मतलब कुल मिला के, क्योंकि ये यहाँ पर भी है और ये देखो IRVM के ऊपर भी लगा हुआ है। तो ये है कुछ, और ये थी एक छोटी सी सिंपल सी वीडियो ZX-i में, अगर आप कुछ एसेसरीज लगवाना चाहते हो तो ये कुछ इतनी प्राइसिंग आपको पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर स्टिकर नहीं है, तो टोटल करके मैं डाल दूंगा, मेरे पास लिस्ट है इनकी प्रॉपर 48 एसेसरीज की, तो उसमें से देख देख के मैं डाल दूंगा कि कौन सी एसेसरी कितने की है और टोटल कितना इस गाड़ी के ऊपर लगा हुआ है। तो ये है छोटी सिंपल सी वीडियो, कैसी लगी बताना कमेंट्स में, अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और हम फिर मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में। बाय बाय।